मुरादाबाद महानगर जहां पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, तो वहीं खानपान के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। शहर मुरादाबाद में लगातार खानपान के नए संस्थान भी खुलते जा रहे हैं, जहां बेहतर सुविधाएं देने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ संस्थानों में पहुंचकर अच्छे खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। यही वजह है कि मुरादाबाद अब पीतल नगरी के साथ साथ खानपान के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। मुरादाबाद महानगर के थाना मुगलपुरा क्षेत्र अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज के चौराहे पर एडेंस कैफे का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और ऑल इंडिया पसबंदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी सलाउद्दीन मंसूरी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर शुभारंभ किया, सभी आयोजकों को बधाई दी। इस दौरान सभी आयोजकों द्वारा एसपी सिटी का बुके देकर स्वागत किया गया और उनसे अपेक्षा की गई कि वे हमेशा समाज और देश की सेवा करने के लिए काम करते रहेंगे। शुभारंभ पर एसपी सिटी ने कहा कि मुरादाबाद शहर अब खानपान के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है और नए नए संस्थान भी खुल रहे हैं। इन संस्थानों के खुलने पर मैं सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करूंगा कि संस्थान क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर खरे उतरे। देखिए, ये बच्चों ने मिलकर के यहाँ एक कैफ़े की शुरुआत की है, इसका नाम एडेंस कैफ़े है और मेरी शुभकामनाएँ हैं ये सब लोग सेटल रहे हैं, अपने इस रोज़गार में आगे बढ़ें और जो चीज़ लोगों को खिलाएं वो शुद्ध हो, उसकी शुद्धता बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें ये इंश्योर करें कि एक अच्छे वातावरण में इस कैफ़े को चलाया जाए। आजकल नौजवानों का एक ये हैंगआउट प्लेस हो जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसे हमारे यूथ से इफेक्ट हो और अच्छे तरह से जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप इस कैफे को चला रहे हैं उसी के हिसाब से इसको चलाएं। थैंक यू। एडेंस कैफे के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद ताबिन मोहम्मद अदनान ने बताया कि गुड फूड के साथ नॉनवेज की सभी वेरायटी यहाँ पर उपलब्ध रहेगी और बेहतर खान पान की सुविधा देने के लिए हम प्रयास करेंगे, साथ ही जनता की उम्मीद पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे, गुणवत्ता का भी ध्यान रखेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छी सुविधाओं के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाएं। मेरा नाम अहमद सवाले है और एडेंस कैफे की आज ओपनिंग हुई है। ये एक कैफे इटालियन फूड का है, इसमें क्रिस्पी चिकन, बर्गर, मॉकटेल्स, शेक्स वगैरह होते हैं। ये बॉम पिज़्ज़ा है, एक स्पेशल है और बाकी काफ़ी चीज़ें हैं, आप आएँ और ट्राई करें। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है, आज हमारे कैफ़े की एडेंस कैफ़े की ओपनिंग हुई है। हमारे यहाँ पे हमने इटालियन कॉन्सेप्ट पर हमने अपना कैफ़े बनाया है जिसमें मोमोज, बर्गर, इटालियन पिज़्ज़ा, पास्ता वगैरह हैं। मैं सभी से चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ आएँ और हमारे चीज़ों का टेस्ट लें। इसमें हमने स्पेशलिटी रखी है बॉम पिज़्ज़ा, जो कि यहाँ हमारे शहर में आसपास कहीं नहीं मिलता। हमने ये कोशिश करी है जो कहीं ना मिले वो चीज़ हमने अपने पास रखी है। मेरा नाम मोहम्मद ताबिन है, आज हमारे कैफ़े एडेंस कैफ़े की जो मुगलपुरा क्षेत्र में GIC चौक पे स्थित है उसकी इनॉग्रेशन हुई है। जो SPCD साहब हमारे मुरादाबाद के, उन्होंने आकर ओपनिंग सेरेमनी रिबन कट कराए। बाकी लोगों से गुजारिश है कि ऐसा कॉन्सेप्ट हम लेकर आएँ जो हमारे पूरे शहर में अभी तक इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो एटमोसफेयर इन्वायरमेंट हमारे यहाँ है। एक बार लोगों से गुजारिश ये है कि यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, देखें। साथ ही हमारे यहाँ जो फूड रहेगा वो इटालियन कॉन्टिनेंटल इस टाइप का रहेगा और जो खाने का तो खाना तो सब जगह मिल जाता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट और वाइब होती है वो हमारे शहर में, खासकर अंदर इस सिटी में, ऐसी वाइब अवेलेबल नहीं है किसी उसमें कैफ़े में, जहाँ तक हमें लगता है। क्यों, खाने के साथ लोगों को ये भी चाहिए होता है कि बैठने की अच्छी जगह हो, इन्वायरमेंट हो, फैमिलियर हो इन्वायरमेंट, कुछ ऐसी वैसी चीज़ हरकतें ना हो वहाँ पर। इस बात का हमने खास ख्याल रखा है। प्लस हमारा जो फोकस रहेगा हाइजीन पे, सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि हाइजीनिक फूड लोगों को प्रोवाइड हो। प्लस डिशेस हैं आपके पास? हमारे पास अगर देखो पिज़्ज़ा में वेज नॉन वेज दोनों रहेगा, इसके अलावा बर्गर्स रहेंगे वेज नॉन वेज, शेक्स रहेंगे, मॉकटेल्स रहेंगे, इसके अलावा कुछ अलग रेसिपीज़ और हमारे पास हैं ऐसी, हम चाहेंगे लोग अभी रिवील नहीं करेंगे, लोग आएँ खुद ट्राई करें उसको और उसका खुद एक्सपीरियंस करें।